नमस्कार। पहले तो मैं अमित शाह जी को बधाई दूंगा जो भारत के होम मिनिस्टर बनने पर, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही साथ जो तेलंगाना राज्य से गृह राज्य मंत्री बनने पर हमारे किशन रेड्डी जी को भी बधाई देता हूं। आज किशन रेड्डी जी का एक मैंने स्टेटमेंट देखा है, एक नेशनल न्यूज चैनल में आ रहा था कि हैदराबाद एक आतंक अड्डा बनते जा रहा है। ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि किशन रेड्डी जी भी तेलंगाना से ही रह चुके हैं। और याद होगा मैंने 2014 में तेलंगाना की असेंबली में एक आवाज उठाया था, एक बहुत ही जोरदार मैंने एक आवाज उठाई थी कि मिनी पाकिस्तान बनते जा रहा है ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी यानी हसदुद्दीन ओवैसी का पार्लियामेंट क्षेत्र। भारत में कहीं पर भी बम धमाका होता था तो उसके लिंक ये हसदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र यानी ओल्ड सिटी हैदराबाद से निकलते थे। हरियन पांड्या को जिन्होंने कत्ल किया, उसके गद्दार आतंकवादी यही संसदीय क्षेत्र हसदुद्दीन ओवैसी के उसी के एरिया से निकले। जितने भी तेलंगाना में बम धमाके हुए, कई निर्दोष लोग मारे गए, वो जितने भी आतंकी थे यही ओल्ड सिटी हैदराबाद से पकड़े गए। मैं किशन रेड्डी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इनको अरेस्ट नहीं करना, इनको साफ करना है साफ। ये ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो देश के लिए, जो समाज के लिए हानिकारक है, तो ऐसे कीड़ों को साफ करने की आवश्यकता है। और एनआरसी लागू तो सबसे पहले मैं किशन रेड्डी जी को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हैदराबाद से प्रारंभ करें। और साथ ही साथ जितने भी जो टेररिस्ट है, जो MIM का सांसद कहता था कि हम उनको लीगली सपोर्ट करेंगे, ऐसे लोगों को अंदर डालने की आवश्यकता है। और जब तक देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। और देश सुरक्षित अगर रखना है तो ऐसे कीड़े मकोड़े देशद्रोहियों का सफाया होने की आवश्यकता है। तो मैं किशन रेड्डी से यह निवेदन करना चाहता हूं, शुरुआत तेलंगाना हैदराबाद से करिए। पूरे तेलंगाना की जनता आपके साथ है। धन्यवाद।